ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਛਪਣਾ ਚਾਹੀਏ ਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਛੱਪਣਾ ਚਾਹੀਏ सिंह ने ये कह दिया प्रेमी श्रोताओं कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। क्या लिखा पहली लाइनों में, बरसाए थे कोड़े रे, भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे। हारी न मानी भगत सिंह ने, हाथ का देना जोड़े रे। हारी न मानी भगत सिंह ने, हाथ का देना जोड़े रे। बब्बर शेर मारा घायल कर दिया, बब्बर शेर मारा घायल समझना चाहिए रे, ओ चाहिए रे, चाहिए रे। नोटायो पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटायो पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। शायर ने लिखा कि माना कि मैं सम्मान करती हूँ अरे गांधी तेरी सीखों का, माना कि मैं सम्मान करती हूँ अरे गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है भगत सिंह की चीखों का। जने कितने झूले फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र गांधी जी की वजह से इस देश को आजादी मिली, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। और अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो मेरे लिए तालियां मत बजाना, जवाब सुनने के बाद भगत सिंह के लिए तालियां जरूर बजाना। जवाब दिया कवि ने और कहा कि इस देश में आजादी कैसे आई, कि हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते आजादी का सहगान नहीं होता, आजादी का सहगान नहीं होता। दूसरी लाइनों में क्या लिखा, तन मन धन ते साथ दिया, देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन ते साथ दिया। खुले दिल ते करी लड़ाई, मिला हाथ में हाथ दिया, खुले दिल ते करी लड़ाई, मिला हाथ
हाथ दिया। अगर सीमा पे जवान ना हो और खेत में किसान ना हो तो शायद बहुत मुश्किल से ये देश चल पाएगा, क्योंकि जे जवानी और जे किसान का, जे जवानी और जे किसान का नारा लगना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। दोनों तारों पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, दोनों पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। आप सभी देखते हो कभी एक नौजवान अपनी शहादत दे जाता है तो किसी दिन दो नौजवान अपनी शहादत दे जाते हैं इस देश के लिए। आज से कुछ साल पहले की घटना है, उरी हमले के अंदर हमारे 18 नौजवान, उन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने धोखे से 18 नौजवानों की मौत कर दी थी। जब उन 18 नौजवानों के पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचे तो आपने टीवी पर देखा होगा इन नेताओं के प्रवक्ता, जो बड़े बड़े मंत्री है ना, इनके प्रवक्ता भाषण दे रहे थे, आपस में कह रहे थे क्या हुआ नौजवान मर गया। अरे हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 5 लाख रुपए दी है, दूसरी सरकार का बोला अगर तुम्हारी सरकार ने 5 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 8 लाख रुपए दिए हैं, तीसरी सरकार का बोला अगर तुम्हारी ने 5 और 8 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 10 लाख रुपए दिए हैं। आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे नौजवान की कीमत 5 या 8 या 10 लाख रुपए है? नहीं है तो हाथ हिला के बताइए सभी, नहीं है हमारे नौजवान की कीमत। अरे जिस माँ बाप का बेटा इस दुनिया को छोड़कर जाता हो उस बाप से पूछिए कि उसके बेटे की कीमत क्या होती है। बताया, जवाब दिया उन जैसे नेताओं को, उन जैसे प्रवक्ताओं को कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और मानो की मत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, तो लो हम 20 लाख देते हैं। अरे तुम किस्मत के हेटो को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। जब किसी मंत्री का बेटा सीमा पे जाके लड़ाई करेगा और सीने पे गोली खाएगा, जब पता चलेगा कि एक लड़के की, एक बेटे की कीमत क्या होती है, किस तरह से क्या लिखा तीसरी लाइन में। सरदार छपना चाहिए रे। उसको फांसी हुई थी,
एक बार वो हाथ खड़े करो जो इस भारत माता से प्यार करते हैं। कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ लोगों ने नहीं किए। हाथ खड़े कर और तालियों से तालियां बजाकर उस भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहेंगे मेरे साथ मिलकर क्या नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए। 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 नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार